ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सपना सुहाना। दिस इज सुहाना। इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग मी, सो आई मेक वीडियोज ऑन फैशन, लाइफ स्टाइल्स, रिव्यूज, मेकअप्स, डी आई वाइज, एंड इफ यू लाइक सच काइंड ऑफ टॉपिक्स देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई एम सुपर एक्टिव देयर एंड आई पोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ रील्स, कुछ स्किन केयर, कुछ प्रोडक्ट्स। सो आप चाहो तो डेफिनेटली मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सो या एंड आज की जो वीडियो की टॉपिक होने वाली है, इट इज़ ऑल अबाउट, एज यू ऑल नो बाय द टाइटल, हायलुरोनिक एसिड। यस, सो या जितना फैंसी ये साउंड करता है, उतना ही कमाल की एक इंग्रेडिएंट्स है हायलुरोनिक एसिड। सो हायलुरोनिक एसिड क्या है, ये हमारे स्किन में क्या काम करते हैं, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं ठीक है भी या नहीं स्किन के लिए, कितना इफ़ेक्टिव है और क्या क्या यूज़ करना चाहिए, काम कैसे करता है, सो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो हायलुरोनिक एसिड जो है हमारे स्किन में नेचुरली पाए जाते हैं, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज या फिर हाइड्रेटेड नहीं बनाती, ये हमारी स्किन में जो वाटर है वो होल्ड करती है, ये हमारी स्किन में नेचुरली होती है। जैसे पत्ते हो गए, पौधों के जो पत्ते होते हैं, तो वो अगर सकुलेंट के ले ले, एलोवेरा के ले ले, या फिर बहुत सारे, तो जो पेड़ के या फिर पौधे के जो प्लांट के जो वाटर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पत्तों में रहते हैं, राइट। तो अगर कोई सकुलेंट के आप पत्ता तोड़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारे वाटर आपको मिलेंगे जेल कंसिस्टेंसी में, तो वो क्या करता है, वो जो वाटर है वो होल्ड करता है। तो हायलुरोनिक एसिड का भी सेम ही काम है, जो वाटर है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं एंड जो वाटर है वो अपने हमारे स्किन में होल्ड करता है। डे बाय डे जब हमारे एजिंग बढ़ती है एंड हमारे स्किन में जो हायलुरोनिक एसिड की कैपेसिटी है वो लूज़ हो जाती है एंड हमारी स्किन में वो बहुत सारी झुरिया, ड्राइनेस, ये सब दिखने मिलते हैं एंड स्किन वो प्लम्पनेस नहीं रहती, स्किन में वो ग्लो नहीं रहती एंड स्किन धीरे धीरे जो है वो सूख जाते हैं, एकदम चैपी हो जाते हैं स्किन। सो या, सो हमें जो चाहिए, हमें क्या करना है, हमें अपने स्किन को बूस्ट करना है, ग्लो लाना है स्किन में प्लम्पीनेस लानी है। आजकल लोग फेयर होने से ज़्यादा ग्लोई एंड प्लम्पी होना पसंद करते। एक टाइम ऐसा था हर किसी के माइंड में ये कंसेप्शन थी कि भाई मुझे फेयर होना है, मुझे मेरी स्किन काश एक शेड और लाइटर हो जाए, दो शेड और लाइटर हो जाए, फेयर एंड लवली ले लो, ये फेयरनेस क्रीम, विकोडर्मा हैंड, बहुत सारी। सो या, बट अभी जो है, जो कि एक्चुअली सही है, क्योंकि कोई भी आपकी प्रोडक्ट जो है आपकी स्किन टोन को चेंज नहीं कर सकता, बट जो काम आपका होना चाहिए, जो आपकी मोटो होनी चाहिए, वो है आपकी हेल्दी स्किन। तो हेल्दी स्किन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन प्लम्पी है, ग्लोई है, तो फिर आप बहुत अच्छे दिखते हो आपकी स्किन के साथ, आपको कोई मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, राइट। तो इसलिए हायलुरोनिक एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेशक हमें यूज़ करनी चाहिए, हमारी एज भी बढ़ती जाएंगी एंड हायलुरोनिक एसिड जो है वो कम होती जाएगी, तो इसलिए हमें अलग से हायलुरोनिक एसिड लगाने की ज़रूरत है। एक्चुअली में हमें हायलुरोनिक एसिड यूज़ करनी चाहिए हमारी स्किन में जो वाटर कैपेसिटी है वो होल्ड करने के लिए, एंड ऐसा नहीं है कि आप अगर हायलुरोनिक एसिड यूज़ करते हो तो आपको 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ में आपको रिजल्ट मिलेगी, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलती है, सच में आपको विद इन 2 to 3 days या फिर 1 वीक के अंदर ही आप फील कर सकोगे कि है हाँ, आपकी स्किन जो है वो प्लम्प हो गई है, जो पहले ड्राई थी उतना ड्राई अब नहीं है स्किन एंड स्किन में जो है वो वाटर होल्ड हो रही है। एंड सो फॉर माई स्किन आई एम यूजिंग दिस सैनफी हायलुरोनिक एसिड फेस सीरम शॉट्स। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक हायलुरोनिक एसिड सीरम है एंड दिस इज देयर 2% हायलुरोनिक एसिड एंड इसके साथ विटामिन B5 भी है। सो ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी स्किन को ग्लोई बनाती है एंड इसमें एक हल्का सा ऑयल एक्सट्रैक्ट है, लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मेंशन है दिस इज़ 2% हायलुरोनिक एसिड, तो हायलुरोनिक एसिड जो है हमें 1.5% से 2% तक ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ हमें नहीं करना। देखो बहुत ही आसानी से समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वो साइंस की तरफ नहीं जाते, बहुत ही बेसिक मैं बता रही हूँ। वो 1.5% या फिर 2% हमें हायलुरोनिक एसिड यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा परसेंटेज के अपने हायलुरोनिक एसिड अपने फेस पे लगा लोगे तो वो नेचुरल मॉइस्चर आपके फेस में से वो भी अब्सॉर्ब करने लगेगा। एनवायरनमेंट से वाटर लेना तो दूर की बात, एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके फेस से भी, आपके खुद के फेस से भी वो मॉइस्चर लेके आपके होल्ड करके बैठी होगी, तो
वो हमें नहीं करना। हमारा जो नेचुरल काम हमारा स्किन का हो रहा है वो हमें होने देना है। जो हमारा नेचुरली हो नहीं पा रहा है उसके लिए हम अलग से प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके उस लिए आपको 1.5 या फिर 2% ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा परसेंटेज वाली हाइलुरोनिक एसिड आपको नहीं लेनी। हाइलुरोनिक एसिड और भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अगर आप उसके साथ सैलिसिलिक एसिड या फिर नाइसिनमाइड एसिड सीरम लगा रहे हो तो आप अगर सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाना चाहते हो तो आप सैनफी के चेक कर सकते हो, वो बहुत ही कमाल के हैं। एंड अभी बात करते हैं इस हाइलुरोनिक एसिड की, तो ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ इसकी कितनी अच्छी रिजल्ट है। तो आपने बहुत ही थोड़ा सा लेना है एंड जस्ट सी वन, बस ये 3 ड्रॉप्स मैंने लिया है एंड एज यू कैन सी ये बहुत ही कमाल के है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। जब आप मेकअप कर रहे होते हो तो आप मेकअप से भी पहले ही इसको लगा सकते हो एंड आप एज अ स्किन केयर आप अपना जो है फेस वॉश वगैरह करके, मैंने यहाँ पे अपना फेस जो है वो क्लीन करके बैठी हुई हूँ इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ। सो आप अपना फेस जो है वो वॉश करके भी ये लगा सकते हो दिन में एंड आप मेकअप से भी पहले लगा सकते हो। तो उससे क्या होता है आपकी जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूई बन जाती है एंड ग्लोई लगती है आपकी जो मेकअप। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एज यू कैन सी मेरी बिफोर एंड आफ्टर स्किन, सो कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही है, बहुत ही एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करती है आपकी फेस में। बट जिनके बहुत ही ज़्यादा इसमें एक हल्का सा ऑयली इफेक्ट है, हल्का सा ऑयल है, आई डोंट नो, लाइट्स बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हो रही है, मैं नेचुरल लाइट में शूट करी हूँ। जिनके ड्राई स्किन है, फुल ड्राई स्किन, उनके लिए बेस्ट है। जिनके ड्राई टू नॉर्मल स्किन है एंड नॉर्मल टू ड्राई, जिनके नॉर्मल टू ऑयली स्किन है एंड नॉर्मल टू ड्राई, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिनके कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए भी परफेक्टली जा सकती है ये हाइलुरोनिक एसिड। बट अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, मतलब ट्रिमेंडस काइंड ऑफ एक्ने, आपको एक्ने इशू है एंड बहुत ज़्यादा आपकी ऑयल प्रोड्यूस होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप ये हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करो तो उसके ऊपर से आप कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइज़र मत यूज़ करो एंड बहुत ही कम क्वांटिटी आप लो, जस्ट 1 ड्रॉप या फिर 2 ड्रॉप्स इनफ है आपके लिए। एंड जिनके बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है आप 3 ड्रॉप्स लगा सकते हो, ये इनफ है। एंड या एज यू कैन सी माई स्किन हाउ इट्स लाइक द ग्लो, द नेचुरल ग्लो। एंड मैं ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में शूट करी तो कोई आर्टिफिशियल लाइट भी यहाँ पे नहीं है, सो या जो दिख रहा है आपको एकदम साफ दिख रहा है एंड मेरे स्किन में कुछ भी नहीं है, एकदम बेयर स्किन है मेरी। सो या दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक लाइक राइट नाउ एंड एज यू कैन सी आर्टिफिशियल लाइट में मेरी स्किन में कैसी लगती है। सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन माई स्किन, कोई भी स्वेट वगैरह नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा ऑयली चिपचिपी वाली फीलिंग भी नहीं है, बट ये एक ग्लो भी प्रोवाइड करती है आपकी स्किन में, सो दैट्स अ गुड पार्ट। सच में बहुत ही इफेक्टिव है एंड पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो या यहाँ तक थी ये पूरा मैंने इतना ख़त्म कर लिया इसे। सो ये मैं 2 मंथ्स तक यूज़ करी, बहुत ही कम अमाउंट में लगती है एंड सच में मेरे स्किन में अच्छा वर्क कर रहा है ये अभी तक। सो स्किन जो है वो बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती है एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड मेकअप से पहले मैं इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, उससे मेरे मेकअप जो है एकदम अनादर लेवल पे चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई लगती है। सो या दैट्स वाई यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। इसके अलावा भी बाज़ार में बहुत सारी हाइलुरोनिक एसिड सीरम आते हैं तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, बट मेक श्योर वो 2% से ज़्यादा ना हो। एंड अगर आप ये सीरम शॉट बाय करना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड ये आप डायरेक्टली नायका से परचेस कर सकते हो, इनकी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो एंड इन सैनफी में बहुत सारे और भी वेरियंट्स आते हैं सीरम की, तो आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ मैसिव थम्स अप। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड फॉर माई ऑल अपकमिंग वीडियोज एंड आई विल सी यू गाइस विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय, आई लव यू।